हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू हियर ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल। माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट जेंडर एंड दिस वन इज आल्सो रिलेटेड टू नाउन। बेटा, हमारी नाउन की जो है वो सीरीज चल रही है, उसमें नाउन नंबर हो चुका है, नाउन के जो बेसिक आपके कंटेंट से रिलेटेड टाइप्स थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं, नाउन नंबर पे भी दो वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं एंड दिस वन इज रिलेटेड टू नाउन एंड जेंडर। बेसिक रूल यू नो वेरी वेल, यू नो द टाइप्स ऑफ जेंडर, आपको जेंडर के टाइप्स भी पता है, बेसिक रूल पता है, बट वी विल डिस्कस द डिफरेंट रूल्स विच यू डोंट नो एंड देर इज अ नीड टू नो। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरत है उनको जानने की। कुछ डिफरेंट रूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दीज आर नियर अबाउट 7 to 8, नॉट अ लॉट ऑफ, एंड यू विल एंजॉय दिस वन, आई होप दैट। नाउ लिसन केयरफुली, अब सुनिए बेटा, स्टार्ट करते हैं। जेंडर, यू नो द टाइप ऑफ जेंडर। जेंडर बेटा सबको पता है, जेंडर के टाइप आपके 4 टाइप होते हैं जेंडर के। एक बार शॉर्ट में थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए, फर्स्ट वन इज मैस्कुलिन, ठीक है, फर्स्ट वन इज मैस्कुलिन, सेकेंड वन इज फेमिनिन, थर्ड वन इज कॉमन, फोर्थ वन इज न्यूटर। मैस्कुलिन सो सिंपल रिप्रेजेंट मेल कम्युनिटी, फेमिनिन जेंडर सो सिंपल रिप्रेजेंट फीमेल कम्युनिटी, कॉमन विच इज यूज फॉर बोथ, फॉर एग्जाम्पल टीचर, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, देर इज नो क्लियरिटी विमेन टीचर और मैन टीचर, सो दैट इज इन द कैटेगरी ऑफ ए कॉमन। ये किसकी कैटेगरी में है? कॉमन की कैटेगरी में। न्यूटर, दिस वन इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, ये किसके लिए यूज होता है बेटा? नॉन लिविंग्स के लिए। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट द रूल्स। ये तो हमारे बेसिक रूल्स हैं, अब हम उन डिफरेंट रूल्स को स्टार्ट करेंगे विच वी डोंट नॉट, देर इज नीड टू नो, जानने की जरूरत है। लिसन, नाउ दैट रिप्रेजेंट ब्यूटी ग्रेसफुलनेस जेंटलनेस सॉफ्टनेस एटसेट्रा आर कंसिडर फेमिनिन जेंडर। देखिए, फेमिनिन हमने भाई हम शी यूज करेंगे फेमिनिन के लिए। देखिए यहाँ पे जो है वो नाउन और प्रोनाउन इन दोनों का रिलेशन है, प्रोनाउन वर्ड आर यूज एज द प्लेस ऑफ नाउन, सो सिंपल। सो यू मस्ट नो दिस वन इज यूज फॉर फीमेल एंड दिस वन इज यूज फॉर मेल। क्लियर? एंड दिस वन इज यूज फॉर नॉन लिविंग, दिस वन इज यूज फॉर नॉन लिविंग। क्लियर? बट हियर व्हाट आई एम सेइंग, बट समटाइम्स इट हैपन्स द थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, दोज आर पर्सोनिफाइड। ठीक है, मोस्टली इन द केस ऑफ एम पोइट्री, ये ज़्यादा जो पर्सोनिफिकेशन यूज़ होता है, आपने पोएम्स पढ़ी होंगी, पोइट्री डिवाइस वहाँ पे पढ़े हैं कि वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। जो पोइट है वो एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग कंसीडर करके, इमेजिन करके वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन। व्हेन दोज आर पर्सोनिफाइड देन ही एंड शी, दीज आर यूज फॉर दोज, क्योंकि पर्सोनिफाई कर रहा है उसे, फीमेल और मेल कंसीडर कर रहा है, तो वहां पे उनके लिए ये यूज होता है। यही बात हम यहाँ पे करेंगे बेटा। ठीक है, वैसे तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के लिए हम कहें तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के लिए इट भी यूज हो सकता है, बट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के लिए जो पर्सोनिफिकेशन यूज होता है तो वहां पे ही और शी का यूज होता है। बट वट टाइप ऑफ विल बी इन द कैटेगरी ऑफ फेमिनिन, विच विल बी इन द कैटेगरी ऑफ ए मैस्कुलिन। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये आता है, कौन से एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो है वो मैस्कुलिन में जाएंगे, कौन से एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो है वो फेमिनिन में जाएंगे। Now listen, अब सुनना बेटा। Nouns that represent beauty, gracefulness, gentleness and softness etc. are considered feminine gender. ठीक है, अभी यहीं पे दोनों को बता देती हूँ मैं, male और female वाले दोनों बेटा। देखिए, ये आपका beauty और gracefulness, softness के लिए, जहाँ पे भी women को क्या consider किया जाता है? Soft consider किया जाता है। ठीक है, it is considered a part of beauty, beauty के लिए इसके लिए use किया जाता है women का। तो same यहाँ पे है कि अगर beauty को represent किया जा रहा है, graceful फुलनेस है, जेंटलनेस है, सॉफ्टनेस है, ठीक है, विमेन इज कंसीडर वेरी सॉफ्ट हार्टेड, ठीक है, एंड मेल इज कंसीडर वेरी हार्ड हार्टेड। आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन मेल और फीमेल, मैं यहाँ पे कमेंट नहीं कर रही बेटा, मैं तो जो एक यूनिवर्सल फैक्ट है वो बता रही हूँ कि फीमेल को सॉफ्ट कंसिडर किया जाता है और मेल को क्या? हार्ड हार्टेड कंसिडर किया जाता है। तो ऐसी बात यहाँ पे है, जहाँ कहीं भी सॉफ्टनेस वाली एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग आ जाए, एट दैट प्लेस वी विल यूज दोज एज फेमिनिन जेंडर। कैसे यूज करेंगे? फेमिनिन जेंडर के जैसे। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आई रोट हियर सम एग्जाम्पल, द मून, नेचर, जेलसी, लिबर्टी, फेम, ओके एटसेट्रा, दीज आर मेन, आपको याद रखना है ये बातें। ठीक है, ये आप कैटेगरी आपकी बहुत आगे तक जा सकती है, ये एग्जांपल्स जो मैंने रखे, बट यू हैव टू कीप इन योर माइंड वेयर एवर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर यूज फॉर सॉफ्टनेस देन फीमेल, इफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज यूज फॉर ए पावर, यूज फॉर स्ट्रेंथ, ये रूल आगे आएगा बेटा आपका, रूल फॉर दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर आप वहां पे
स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आप वहां पे पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन इट विल बी कंसीडर मैस्कुलिन। इसे क्या कंसीडर किया जाएगा? मैस्कुलिन। यहाँ पे तो सॉफ्टनेस है, स्प्रिंग को यूज किया। देखिए, स्प्रिंग हैज हर ऑन चार्म एंड डिलाइट्स। ठीक है, स्प्रिंग का अपना चार्म और डिलाइट है। इट मीन्स व्हाट इज यूज्ड हियर? हर इज यूज्ड। द मून शेड हर लाइट ऑन द बैंक। फॉर मून व्हाट इज यूज्ड? हर इज यूज्ड, बिकॉज दिस वन इज पर्सोनिफाइड। क्योंकि इसे क्या किया गया? पर्सोनिफाई। सो सिंपल, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट वन, सेकेंड वन, वुमेन नाउन वर्ड डिनोट सेक्स बट लेडी डज नॉट डिनोट सेक्स। ठीक है, हमारा जो नाउन वर्ड है वुमेन, ये डिनोट करता है सेक्स को, लेकिन लेडी जो है वो सेक्स को डिनोट नहीं करता। फॉर व्हाट इट इज यूज्ड? ये किस लिए यूज होता है? देखिए, लेडी वर्ड इज यूज फॉर सोशल रैंक, लेडी वर्ड इज यूज फॉर एड्रेसिंग। वेरी सिंपल। देखिए, लेडी डायना, ब्रिटिशर्स में ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जैसे मिस्टर मिसेज यूज करते हैं, ऐसे वहां पे एक सोशल रैंक के लिए, जो कि हाइयर रैंक से जो बिलोंग करती हैं, क्वीन हैं, उनके लिए क्या यूज किया जाता है? लेडी डायना, लेडी मैकबेथ। तो ये लेडी मैकबेथ और लेडी डायना किसको रिप्रेजेंट करें? सोशल रैंक को। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो यहाँ पे क्या है बेटा? एड्रेसिंग के लिए यूज हो रहा है। किसके लिए यूज हो रहा है? एड्रेसिंग के लिए। बट विमेन इज नॉट, क्या हम यहाँ पे विमेन लिख सकते हैं? विमेन एंड मैन, क्या हम यहाँ पे यूज कर सकते? नहीं कर सकते ना। तो ये एड्रेसिंग के लिए तो हम ये यूज करते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे वुमेन डायना लिख सकते, वुमेन डायना, तो ये आपका करेक्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए, हम सेक्स जहाँ डिनोट करना वहाँ वुमेन डॉक्टर, हालांकि यहाँ पे हम रोंग यूज करते हैं, लेडी डॉक्टर यूज करते हैं, बट दिस वन इज रोंग। ये रोंग है बेटा, करेक्ट क्या होगा? वुमेन डॉक्टर, वुमेन ड्राइवर। क्लियर? बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी कम्युनिकेशन में डिफरेंट होती हैं, स्पोकन में डिफरेंट होती हैं, बट ग्रामर के रूल्स डिफरेंट हैं। हमने अपने कंफर्ट के लिए, अपने कुछ चीजें हैं ना, अपने टंग की कंफर्ट के लिए एडजस्ट हो जाती हैं, एंड द थिंग विच इज इन द फ्लो वी स्टार्टेड टू यूज दैट। दैट्स वाई वी आल्सो यूज लेडी डॉक्टर, बट ग्रामेटिकली इट इज नॉट करेक्ट। ग्रामेटिकली वुमेन डॉक्टर इज करेक्ट। करेक्ट क्या होगा? वुमेन डॉक्टर होगा, वुमेन ड्राइवर होगा। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, लेडी टीचर टीचेज मी इंग्लिश, दिस वन इज रॉन्ग। करेक्ट would be a woman teacher. यहाँ पे देखो, मैंने addressing वाला example लिखा, the prime minister said to people, ladies and gentlemen. ठीक है, so we can't use men and women. Simple सी बात है, दो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है. Lady, this one is for addressing, lady word, and for social rank. And women word, this one is used for represent sex only. ठीक है, जहाँ पे हमने female को दिखाना है कि female है. Clear? Next one. देखिए, हम रूल नंबर थर्ड, शी इज यूज फॉर नाउन, द वुमेन इज नॉट यूज्ड। ये मैं आपको वो बातें बता रही जो एरर दी जाती है एग्जाम में। हियर सी, इफ शी इज गिवन, देयर इज नो नीड टू यूज द वुमेन, देयर इज नीड, नो, इट्स गिविंग द क्लियरली प्रूफ, दिस वन इज यूज्ड फॉर फीमेल, क्लियरली प्रूफ दे रखी फीमेल के लिए है, देयर इज नो नीड ऑफ यूज दिस वन। सो इजी, सिंपल सी बात है। देखिए, पहला हमने बात की भी, जो हमारा फर्स्ट रूल था कि भी ब्यूटी है, सॉफ्टनेस है, देन वी विल यूज अ फेमिनिन जेंडर। क्लियर? सेकंड हमने बात की भी लेडी एंड वुमेन बोथ आर डिफरेंट वर्ड्स, दोनों का मीनिंग डिफरेंट है, आई टोल्ड यू व्हाट इज। थर्ड हमने क्या किया बेटा? द वुमेन, इफ शी वर्ड इज गिवन, शी प्रोनाउन इज यूज, देन देर इज नो नीड टू यूज वुमेन। क्लियर? कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, द नाउन विच शोज द स्ट्रेंथ फीमनेस, आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट वन, जहाँ पे मैंने आपको फीमेल बताया था, यहाँ पे वहाँ पे मैंने थोड़ा ब्रीफ में आपको ये भी बता दिया था बेटा, द नाउन विच शोज स्ट्रेंथ फीमनेस एनर्जी आर कंसिडर मैस्कुलिन जेंडर। क्या कंसिडर किए जाते हैं? मैस्कुलिन जेंडर, सन, टाइम, विंड, थंडर, एटसेट्रा। एग्जाम्पल, द सन शोड हिज ब्राइट आईज, सॉरी ब्राइट रेज। तो यहाँ पे देखो, उसके लिए क्या यूज किया है? हिज, नॉट हर, Not its, क्या यूज किया? His. Death lays his icy hands on king. ये एक आपकी complete जो है एक proverb है, death lays his icy hands on king. तो यहाँ पे भी क्या यूज हुआ है death के लिए? His. ठीक है, इनके लिए क्या यूज किया है? His. These are considered in masculine. ठीक है, किस category में आते हैं? Masculine में। रूल नंबर फाइव, ड्यू टू सोशल रीजंस वी आर लिविंग इन पार्टिकल सोसाइटी। बेटा, हम कैसे सोसाइटी में हैं? पार्टिकल सोसाइटी, एंड इन पार्टिकल सोसाइटी द मेन इंपॉर्टेंस दैट इज गिवन टू मेल, एंड नाउ द सिचुएशंस आर चेंजिंग, सम सिचुएशंस आर चेंज्ड, बट सम आर नाउ आल्सो दैट आर कंजर्वेटिव थिंकिंग सम पर्सन आर हैविंग, and the when grammar was framed, English language was framed, at that time women were not getting a lot of respect, they were getting the respect, but beside that some professions were fixed,
एंड इन दोज प्रोफेशन लेडीज वर नॉट अलाउड, वुमेन वर नॉट अलाउड, ठीक है, वहां पे वुमेन जो थी वो अलाउड नहीं थी. सो दीज आर नाउ आल्सो कंसिडर मैस्कुलिन जेंडर. तो इसीलिए इन्हें आज भी क्या कंसिडर किया जाता है, मैस्कुलिन. इनके लिए यूज होता है ही, कभी भी इनके लिए शी का यूज नहीं होता. शू मेकर, बेकर, मर्चेंट, सोल्जर, लॉयर, क्लियर. चलिए नेक्स्ट वन. रूल नंबर 6, सम नाउन्स हैविंग मैन एट लास्ट एंड व्हेन जेंडर इज चेंज्ड पर्सन इज एडेड. वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, ठीक है. जब हम कोई हमारे पास वर्ड है एंड एट लास्ट मैन वर्ड इज एडेड एंड समवन से चेंज द जेंडर, कोई कहे इसका जेंडर चेंज कीजिए, व्हाट यू विल डू, सिंपल, यू विल यूज चेयर पर्सन. चेयरमैन विल बी चेंज इनटू चेयर पर्सन. स्पोक्समैन विल बी स्पोक्स पर्सन, दैट विल बी स्पोक्स पर्सन. सो एंड द रूल इज मैन विल कन्वर्टेड इनटू पर्सन, इट विल बी कंसीडर चेंज्ड इनटू पर्सन. मैन का किस में चेंज हो जाएगा, पर्सन में चेंज हो जाएगा. क्लियर बेटा. चलिए नेक्स्ट वन. चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी आर इन द कैटेगरी ऑफ कॉमन जेंडर. देखो कैटेगरी तो कॉमन की है. कैटेगरी में कौन से में आते हैं, कॉमन में आते हैं. कॉमन बिकॉज देर इज नो क्लियरिटी, दिस वन इज मेल और फीमेल. यहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं है कि मेल है फीमेल है. बट सेक्स इज नॉट डिनोटेड, सो न्यूटर जेंडर प्रोनाउन इज यूज. लेकिन इनके लिए जो प्रोनाउन यूज होती है ना, वो न्यूटर वाली यूज होती है. द मेन रूल, दिस इज नॉट द मेन रूल. बिग कैटेगरी तो कॉमन जेंडर की आएगी, बट आपकी जो प्रोनाउन यूज होगी दोज वुड बी ऑफ न्यूटर. न्यूटर की आपकी जो कैटेगरी है वो क्या है, इट. क्या है, इट. तो चाइल्ड के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं बेटा, इट्स. हिज इज नॉट यूज्ड, हिज का यूज जो अगर किया तो वो गलत है. द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर हिज मदर, दिस वन इज रॉन्ग. करेक्ट वुड बी द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर इट्स मदर. नाउ नेक्स्ट वन, रूल नंबर 8. इफ कंट्री इज नेम, कंट्री फॉर कंट्री नेम व्हाट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड. बिन नॉन लिविंग और आप ऐसे पर्सन के प्लेसेस के नेम के लिए क्या यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं, ठीक है. एंड हेयर ऑल्सो जो आपका फर्स्ट रूल कहता है वो यही कहता है, फॉर कंट्रीज नेम इफ इट इज यूज्ड एज ए ज्योग्राफिकल यूनिट, अगर इसे ज्योग्राफिकल यूनिट के तौर पे यूज किया गया देन इट विल बी कंसीडर न्यूट्रल जेंडर एंड इट विल बी यूज्ड. और किसका यूज होगा, इट का यूज होगा. सो सिंपल, लुकिंग एट द ग्लोब, ये आपका एग्जाम्पल है बेटा. लुकिंग एट द ग्लोब वी सी इंडिया हियर, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीज इन एशिया, ठीक है. सिंपल सी है बात है कि इट यूज कर दिया. बट दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, जो चेंज है वो यहाँ पे है जिसको समझना है. बट इफ कंट्रीज नेम इज पर्सोनिफाइड एंड यूज्ड एज पॉलिटिकल यूनिट, इट इज कंसीडर फेमिनिन जेंडर. क्या कंसीडर किया जाता है, फेमिनिन जेंडर. अमेरिका फील्स प्राउड ऑफ हर साइंटिस्ट, नॉट इट्स साइंटिस्ट. Is it clear? Because this one is not used as a geographical unit. इस sentence में से geographical unit के जैसे use नहीं किया है. So it will be considered feminine gender. क्या consider किया जाएगा, feminine. Feminine के लिए use क्या होता है, she. Clear? Now next one, 9th. If collective noun, I told you, when I told you distributive collective noun, ये rule मैंने आपको तब भी बताया था, आज फिर से बता देती हूँ बेटा. देखिए, If collective noun represent the one decision, then it is considered neuter gender singular. क्या consider किया जाता है इसे, neuter gender और singular consider किया जाता है. देखिए neuter तो है, clear है, अभी कोई बात नहीं, neuter तो है. neuter तो देखो यहाँ भी है. If collective noun represent the different decision, then it will be considered neuter gender, but प्लूरल. यहाँ पे क्या है, सिंगुलर. यहाँ पे क्या है, प्लूरल. दिस इज द डिफरेंस एंड द एरर विल बी गिवन इन दिस सिचुएशन. इसी सिचुएशन में एरर दी जाती है. एग्जाम्पल देखिए, द कमेटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 6 मंथ. देखिए फर्स्ट में वो आपका क्या शो कर रहा है यहाँ पे, कि भी कमेटी अपनी रिपोर्ट 6 महीने में सबमिट कर देगी. तो 6 महीने में सबमिट कर देगी तो इट मीन्स उनका डिसीजन कैसा है, सेम है, एक डिसीजन है, ठीक है, एक ही तो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी. सो इट इज सिंगुलर. तो यहाँ पे क्या यूज किया, सिंगुलर. बट द कमेटी वर डिवाइडेड ऑन देयर ओपिनियन. देखिए यहाँ पे उनका क्या हो गया, डिविजन. सो दिस वन इज प्लूरल, ठीक है. यहाँ पे जेंडर चेंज नहीं हो रहा, जेंडर इज न्यूटर. जेंडर आपका न्यूटर ही है, बट द चेंज इज इन सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है. लेकिन चेंज आपका किस में है, इन द यूज ऑफ नाउन सिंगुलर और प्लूरल में, ठीक है. मैंने आपको नंबर में भी बताया था, अब मैंने फिर से आपको बता दिया. क्लियर. दीज आर द 9 रूल्स रिलेटेड टू जेंडर. नॉट अ लॉट ऑफ, बेसिक आपको पता ही है, स्पेशल मैंने आपको 9 रूल्स बता ही दिए, ठीक है. एक बार ब्रीफ में थोड़ा बता देती हूँ हमने क्या किया. देखिए एक अगर ब्यूटी के लिए था, सॉफ्टनेस के लिए था,
तो वहां पे क्या था, फेमिनिन जेंडर, ठीक है। अगर एनर्जी के लिए था, पावर के लिए था, तो वहां पे क्या था, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर, यही था। उसके बाद हम गए तो हमने विमेन और नेक्स्ट हमारा क्या, कौन सा वर्ड था, लेडी, हमने इनमें डिफरेंस की बात की कि विमेन और लेडी में क्या डिफरेंस है एंड हाउ दीज आर यूज्ड, इनका यूज कैसे होता है। देन नेक्स्ट हमने डिस्कस किया चाइल्ड के रिगार्डिंग, बेटा चाइल्ड, इन्फेंट, दीज आर इन द कैटेगरी ऑफ कॉमन जेंडर, भी कौन से जेंडर की कैटेगरी में, कॉमन, चारों जेंडर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे ना, तो कॉमन में है, तो कॉमन है तो ही शी यूज होना चाहिए, बट नो, द प्रोनाउन विल बी यूज्ड ऑफ न्यूटर, प्रोनाउन किसकी यूज होगी, न्यूटर जेंडर की यूज होगी। लेकिन अगर वहां पे बेबी बॉय बेबी गर्ल है तो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल यूज मैस्कुलिन और फेमिनिन, उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, सो सिंपल। नेक्स्ट पे हम गए, हमने बात की कि भी पहले ही अगर शी यूज किया है तो विमेन वर्ड ऐड नहीं करना। कुछ प्रोफेशंस पहले ही सोसाइटी ने ऐसे फिक्स कर दिए हैं जो जाएंगे ही मैस्कुलिन के लिए, शू मेकर की हमने बात की, लॉयर की बात की, सोल्जर की बात की, दीज आर फिक्स्ड, ये सारे क्या हैं, फिक्स हैं, ठीक है। ज्योग्राफिकल यूनिट की बात की कि कंट्री के नेम के लिए, ज्योग्राफी यूनिट के लिए है तो इट यूज होगा, लेकिन अगर वो यूज हो रहा है आपका किसी दूसरे पर्पज के लिए, पॉलिटिकल यूनिट के लिए, इकोनॉमिकल यूनिट के लिए, देन इट वुड बी फेमिनिन, नॉट मैस्कुलिन। देखिए सबसे बहुत बड़ा चेंज है ये, मैस्कुलिन भी नहीं कंसिडर कर रहे कंट्री के नेम को, क्या कंसिडर कर रहे हैं, फेमिनिन जेंडर कंसिडर कर रहे हैं, ओके। ये फिक्स रूल है बेटा, ये हमने आपने नहीं बनाए, ये जो इंग्लिश है लैंग्वेज इसने बनाई, ये तब के रूल बने हुए और हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इफ वी वॉन्ट टू लर्न दैट लैंग्वेज देर इज नीड टू नो दैट, हमें जरूरत है उन्हें जानने की। हमें फिर इस पे आप आए कलेक्टिव पे, कलेक्टिव मैंने आपको पहले भी बताया है, सेम डिसीजन है तो सिंगुलर बेटा, डिफरेंट हो गया तो प्लूरल। आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स, उम्मीद करती हूँ बेटा जेंडर का आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। प्रैक्टिस मैं आपके पास, आई विल सेंड द असाइनमेंट एंड यू विल डू द प्रैक्टिस वेयर एवर यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम, कंसल्ट विद मी, ठीक है, कंसल्ट कर लेना। एंड इन द नेक्स्ट वन वी विल डू नाउन एंड केस, एंड द नेक्स्ट वन वुड बी द लास्ट लेक्चर ऑफ नाउन, जो आपका नेक्स्ट होगा वो आपका नाउन का लास्ट लेक्चर होगा, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।